कि भारत की एरिया यानी कि क्षेत्रफल हमें बोर्ड में लिख रहे 328763 स्क्वायर किलोमीटर, ये हमारे देश का टोटल क्षेत्रफल, मतलब जैसे आपकी जो बोली जाती है कि भारत की जमीन कितनी है, तो ये हमारी जमीन है। और इसके बाद आपको जानना है कि नॉर्थ से लेकर के साउथ, मतलब कि जब आप पढ़ते हैं घर में तो आपने सुना है जम्मू कश्मीर से लेकर के सबसे नीचे हमारा जो कन्याकुमारी, तो यहाँ तक मतलब नॉर्थ टू साउथ ये हमारा 3214 किलोमीटर, तो ये भी आपने याद करना है। और ईस्ट टू वेस्ट ये है 2933 किलोमीटर। इसके बाद आप साथ में ऐसा क्रॉस करके एक मैप बना लें और यहां पर हम एक पॉइंट लिख दें, इसका नाम है इंदिरा कोर, ऐसे ये इंडिया का सबसे उत्तरी बिंदु है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, और यहां लिख देते हैं इंदिरा पॉइंट, ये इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। आजकल एग्जाम में इंदिरा पॉइंट का नाम नहीं आता, इसलिए इसका दूसरा नाम जो लिख दे रहे हैं एग्जाम में आएगा वह है पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, ये दोनों आता है और साथ में आता है इसका लोकेशन, तो वो लिखना है कि ग्रेट निकोबार पर स्थित है, ग्रेट निकोबार पर स्थित। इसी प्रकार से सबसे वेस्ट में सर क्रिक लिखिए, ये इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर भी है, गुजरात में है ये सर क्रिक, और यहां पे लिखिए पॉइंट वेलेंगो, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा वेलेंगो, तो ये भी एग्जाम में ये चार पॉइंट आपने याद रखना है, इंडिया का नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट और क्या क्या नाम है। अब कुछ हम यहाँ पे नाम लिख दे रहे हैं जिसमें डिफरेंस क्या आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, सबसे पहले आप चिल्का लिखिए और फिर लिखिए बेम्बेनार, फिर लिखिए वुलर और फिर लिखिए सांभर, और एक नीचे लिख दे रहे हैं यहाँ लोकटक, सारा झील का नाम है। तो जब कभी एग्जाम में पूछता है कि इंडिया का सबसे बड़ा झील, तो आप चिल्का में टिक करेंगे, ये उड़ीसा में है और इसको लैगून बोलते हैं, लैगून का मतलब होता है खारे पानी की, मतलब ये सॉल्टी है, एक खारे पानी की झील है, नमकीन झील है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में फ्रेश वाटर लेक कौन है सबसे बड़ा, तो इसमें टिक करना, ये फ्रेश वाटर है जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर आप लिखते रहे फ्रेश वाटर मतलब मीठे पानी की झील, ये वुलर झील, इसमें टिक कर, खारे पानी का होगा तो चिल्का उड़ीसा में। लेकिन आज के एग्जाम में देखिए थोड़ा आसान प्रश्न पूछना छूटते जा रहा है ना, जो इजी क्वेश्चन है वो नहीं पूछेगा, चूंकि इसके आंसर सारे लोग देते, तो थोड़ा सा जो पूछ रहा है फ्रेंड में यहां से, इसको आप पहले लिखिए बेम्बेनाड जो है ये साउथ इंडिया का लार्जेस्ट लेक है, ये एग्जाम में आया और ये केरल में है, लिख लीजिए और साथ में ये भी लिख लीजिएगा कि इसको बैक वाटर ऑफ केरल बोलते हैं, ये भी एग्जाम में आता है बैक वाटर ऑफ केरला, बेम्बेनाड ये केरल में है और इसको बैक वाटर कहा जाता है, तो ये एग्जाम में एक आता है ज्यादा, और ये पूछता है अक्सर, इसमें टिक कर दे रहे लास्ट वाला जो लोकटक, और यहां पे लिख लीजिए कि ये मणिपुर में, मणिपुर किधर होगा भारत में किस साइड है बताइए, नॉर्थ ईस्ट, तो यहाँ नॉर्थ ईस्ट लिख लीजिए लोकटक, मरे उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा झील उसका नाम लोकटक, और ये सांभर तो जानते होंगे आप लोग, सुने होंगे नाम, कौन इडली डोसा वाला सांभर, राजस्थान में, ये राजस्थान में सबसे बड़ा झील है वेस्टर्न इंडिया, भारत के चारों साइड से बता दिया आपको।
कि अलग अलग झील क्या है, कुछ और झील का नाम आप साथ में लिख लें, आपको हम कॉन्टिनेंट वाइज भी समझा देंगे, साथ में लिख लें। एशिया में लिख लीजिए कैस्पियन सी, हम यहाँ पर मेंशन कर दे रहे इसको, इस पॉइंट को थोड़ा सा हटा देते हैं, और एशिया में लिख लीजिए कैस्पियन सी, कैस्पियन सी। आगे आपको समझाएंगे कि सी को लेक क्यों बोल रहे हैं, क्या डिफरेंस होता है, और एशिया के बाद आप लिखें अफ्रीका में लेक विक्टोरिया, पहला एशिया लेक विक्टोरिया, दूसरा नंबर पे अफ्रीका। नॉर्थ अमेरिका में आप लिखिए लेक सुपीरियर, उत्तरी अमेरिका लेक सुपीरियर, और दक्षिणी अमेरिका में लिखें लेक टिटिकाका, साउथ अमेरिका में। ये अक्सर पूछता है, यहां लिखते हैं पेरू एवं बोलिविया देश के बीच है ये टिटिकाका, और अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट तो बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए वहां पर झील नहीं होगा। यूरोप में जो सबसे बड़ा झील है उसका नाम है लेक एरी, सॉरी लेक लेडोगा, यूरोप में लेक लेडोगा लिखना है आपको, जो यूरोपियन कंट्री में सबसे बड़ा झील है, और ऑस्ट्रेलिया में लिखना है लेक एरी। ये सारे कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े झील के नाम है, भारत के साथ साथ जो एग्जाम में आपसे पूछा जाए। लिख लिए लेक एरी ऑस्ट्रेलिया पर, क्वेश्चन कैसा पहला इसके लिए क्वेश्चन आएगा, लिखिए वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, ये लिखेंगे नेपाल में, और इसका दूसरा नाम भी पूछता है, ये ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सागर मा, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट आएगा नेपाल में क्या, और जब पूछा जाएगा हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया तब लिखेंगे गॉडविन ऑस्टिन चेतु, ये काराकोरम माउंटेन, ये काराकोरम माउंटेन पर, इसका दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन, और इसी का तीसरा नाम है यहां लिखते हैं मुस्ताक, और ये भी लिखिएगा कि वर्तमान में ये पाकिस्तान के कब्जे में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको बोला जाता है, जो आप अक्सर प्रॉब्लम में देखते होंगे जम्मू कश्मीर में जहां चल रहा प्रॉब्लम, तो पाकिस्तान के कब्जे में चेतु, तो इसलिए डिस्प्यूटेड हो गया, तो एग्जाम में कभी कभी मेंशन कर विवादित है वर्तमान में। और एक नाम यहां पर हम ऐड कर देते हैं, क्वेश्चन रहेगा लिखिए कि हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया, मतलब भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तब लिखना है कंचनजंगा और ये सिक्किम में, देखिए दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो क्या लिखेंगे केटू, देखिए हम है हमारा क्योंकि पाकिस्तान सबसे जरूर कर रखा है हमारा वो, और जब ये पूछा जाएगा विवादित लिख देगा ना, ये गैर विवादित बोल देगा कि आपको बताना है भारत की सबसे ऊंची चोटी अनडिस्प्यूटेड, तब उसमें टिक करना है इसमें कंचनजंगा, दोनों में समझ में आया डिफरेंस क्या है, ये सिक्किम में और केटू ये जम्मू कश्मीर में है काराकोरम पर। ये जो हमने लिख रखा है यहां पर गुरु शिखर, ये अरावली की सबसे ऊंची चीज राजस्थान में, आपको पता ही होगा गुरु शिखर, माउंट आबू हिल स्टेशन के नाम सुने होंगे, बस यहीं पर यहां बगल में मेंशन कर लीजिए तो आपको याद रहेगा माउंट आबू, ये जो हिल स्टेशन है ये राजस्थान में, ये गुरु शिखर के पास माउंट आबू में किस चीज का मंदिर है बताइए, भीलवाड़ा का जैन टेम्पल, ये भी एग्जाम में अक्सर जैन। और ये जो है यहाँ
इसमें क्वेश्चन लिखेंगे साउथ इंडिया का हाईएस्ट पिक अरेंज मुरी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनई मुडी, ये अन्नामलई पर्वत पर है, ये केरल में, ये केरला अनई मुडी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनई अनई मुडी, और ये जो है ना तोदा बेटा ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये वाला ये तमिलनाडु में है, नीलगिरी पर्वत सेकेंड हाईएस्ट पे। अब देखिए आप अगर डिफरेंस देखेंगे, हम लोग इसको दक्षिण भारत का हाईएस्ट बोल रहे हैं, ये 2695 मीटर और ये है 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है, लेकिन यहां पर देखें ये तो हर कोई जानता होगा कितनी हाइट है, बोलिए आगे आपको बताएंगे कि इसकी अभी जो ऊंचाई है 50 कैसे पहुंचा नई सर्वे में और कैसे प्लेट टेक्टोनिक्स से बार बार हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लास में रखें। K2 की ऊंचाई कितनी है 8611 मीटर, गुरु शिखर का 1600 बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं, और अनई मुडी दक्षिण भारत की ऊंची चोटी और इसमें डिफरेंस देखिए कितना है, कंचनजंगा भी हमने लिख रखा था इसको भी आपको जानना चाहिए, कंचनजंगा 8598 मीटर इसकी ऊंचाई, और दक्षिण भारत में देखिए काफी कम ऊंचा इसके तुलना में, यहां पर हाईएस्ट पीक मात्र 2695 और वहां देखिए कितना ज्यादा हाइट है, कैसे फोल्डिंग हुआ हिमालय का, तो आप पूरी चीज को हम आपको समझाएंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है वो, आपको ये भी पता होगा कि जहां पर हिमालय आज है वहां पर किसी जमाने में 33 नाम का महासागर हुआ, तो महासागर पे कैसे हिमालय बना वो आपको कॉन्सेप्चुअल इफेक्ट। सैडल पिक ये सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सारे का आपको याद नहीं करना है, एक दो का जानेंगे सफिशियंट आपके लिए, ये अंडमान निकोबार का ये एग्जाम में आजकल पूछ रहा है कि सैडल अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का तो सैडल, और सारामती ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया ये सारामती नागालैंड में हाईएस्ट नॉर्थ ईस्ट का हाईएस्ट, गोरखनाथ गुजरात में सबसे ऊंची उसका जो पॉइंट है गोरखनाथ नाम है उसका, जहां पर गिर वन है ना, गिर वन के शेर काफी फेमस है, इसी क्षेत्र में है गिर का क्षेत्र है, और कलसूबाई ये वेस्ट इंडिया के महाराष्ट्र में पड़ता है, कलसू ये जो माउंटेन है उसका नाम यहाँ है हरिश्चंद्र पर्वत, हरिश्चंद्र माउंटेन पर कलसूबाई है, क्या बोले गी माउंटेन गी एक माउंटेन, और धूपगढ़ ये सतपुरा का सबसे ऊंचा चोटी का नाम है धूपगढ़,